तुम्हें कहता हूं, लोकसभा के चुनाव में 73 नहीं 74 सीटें जीतेंगे, ये सवाल ये मानने लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और जनता आतुर, जनता इच्छुक, हमारा विरोधी भी ये कहता है और हमारा विरोधी नेतृत्व भी ये जानता है कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। और जनता सीधे उनको वोट देना चाहती है क्योंकि वो मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मानती है, जिसने 5 साल के अंदर एक पिछड़ू रेंगता हुआ देश को सलामी मारता हुआ दुनिया के नक्शे पर खड़ा किया, तो 5 साल में मोदी जी ने किया। और ये आम जनता आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहती है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके वोट को ईवीएम मशीन में परिवर्तित करें। ये हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी इच्छा को हम पूरा करने में कोई भी कसर न छोड़े, इस बात को हमको ध्यान रखें। बूथ बूथ पर जनता तैयार बैठी। मैं आप सबसे ये बार बार इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि बूथ अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि वो अपने इलाके में अपने मोहल्ले में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका वोट ईवीएम मशीन के द्वारा अपने एमपी के माध्यम से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पढ़ना चाहिए, उसकी हमको तैयारी करें। और मित्रों, ये जो गठबंधन है, मैं बोलना नहीं चाहता था, कहना ये तो इनकी मजबूरी है, ये गठबंधन तो इनकी मजबूरी है क्योंकि इनको मालूम है कि इनका सूखा साथ है। ये बच नहीं सकते, ये खड़ा नहीं हो सकते। ये अक्सर भाजपा की राजनीति है, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए लोगों का जमावड़ा है और जनता ने इनको नकार दिया है, एक बार नहीं बार बार नकार दिया है। और इसकी एक गठबंधन करके मोदी जी के सामने खड़ा होना चाहिए। लेकिन यह जो हम दृश्य देख रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहा है कि सारे मिल करके भी आ जाओ तब भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमको समझना चाहिए। मैंने पत्रकारों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये गठबंधन में समानता क्या, व्हाट इज दी कॉमन थिंग ऑफ दिस गठबंधन, किस बात की समानता, विचारों की नहीं, कोई विचारों का समानता नहीं, कार्यशैली की थोड़ी बहुत समानता है क्योंकि सब धन स्वार्थ के, कोई विचार की नहीं, कोई समानता नहीं है। इनकी समानता है तो सिर्फ एक बात की है कि सब के सब ऊपर से नीचे भ्रष्टाचारी है, आधे बेल पर है और आधे जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। ये है कहा, मैं तो कई बार समझता हूं और देखता हूं जब इनको टेलीविजन पर, तो मुझे लगता है पता नहीं इनको शर्म नहीं आती, इनको कहीं अपने ऊपर कहीं लाम नहीं आती, बेल पर खड़े कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और ये सारे के सारे जितने भी केस है, ये कोई केस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने नहीं किए हैं, ये सब केस यूपीए के टाइम के हैं जिसमें ये आतंक डूबे हुए होने के कारण दिए गए। कोई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केस लगा है, किसी ने वहां पीआईएल डाली, और ऐसे लोग जो इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज वो अपने जेल और बेल से बचने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको कल पिछले 2 दिनों में दिखा होगा। ममता जी गरीबों का पैसा, वैसे बोलती थी मैं गरीबों की हूं, हर जगह धरने पर बैठ जाती, गरीबों का पैसा जब लूटा गया तो उनके साथ नहीं खड़ी हुई, लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर जिसने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, जब उससे पूछताछ करने के लिए सीबीआई गई और सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गई, तो वहां धरने पर बैठ गई।
ये बताता है। अभी वो धरने पर बैठी घंटों नहीं लगे, केंद्र के कोई नेता नहीं बचा विपक्ष का जिसने उसके साथ समर्थन नहीं किया। और उन्हीं का कांग्रेस का एमपी अधीर रंजन चौधरी कलकत्ता में बैठ करके और दिल्ली में बैठ करके ममता के खिलाफ बोल रहा है, और उसी के साथ अफसर वालिका में राहुल गांधी पक्ष में शेट में दे रहे हैं। ये इनका हाल होगा, ये इनकी परिस्थिति होगी। मित्रों, पिछले 5 साल में जो काम आदरणीय मोदी जी ने किया है वो काम हम लोगों को, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं, न भूतो न भविष्य की, और भविष्य की होगा सिर्फ मोदी जी करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए, पीछे तो कभी हुआ नहीं। आज आम आदमी को सुरक्षा कवच आदरणीय मोदी जी ने प्रदान किया। आम आदमी, ये जो आयुष्मान भारत है जिसमें हम 10,74,00,000 परिवारों को 5,00,000 रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दे रहे हैं, 1,357 बीमारियों, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवर जो दे रहे हैं, ये 55,00,000 लोगों के लिए, देश की 40% आबादी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो रेड़ी वाला है, फेड़ी वाला है, रिक्शा वाला है, सड़क के किनारे किसी ईंट को लगा करके बाल बाल काटने वाला है, ऐसे गरीब लोगों को जो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके परिवार में किसी को अगर कैंसर हो जाए तो या तो उनके घर का जमीन और घर बिक जाए, या वो इलाज कराने से अपने आप को रोक लेते थे कि ईश्वर की ही इच्छा है, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे 55,00,000 लोगों को 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवरेज देना, यानी सारी अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी और मेक्सिको की आबादी, इतनी आबादी को भारत सरकार ने 40% आबादी को ये हेल्थ कवर दिया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि मात्र 4 महीने के अंदर 10,80,000 लोगों ने इसका लाभ उठाया है और 13,000 करोड़ रुपए का बिल रेज हुआ है, जिसको भारत सरकार ने उन गरीबों की इलाज के लिए लगाया है। उसको हमको समझना, यह है सुरक्षा कवच। आप बताइए कि देश में पिछले साल उन्होंने कहा और हमने 1 साल के अंदर स्कीम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लॉन्च कर दिया, 1,300 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल रेज हुआ, 10,80,000 लोगों को उसका इलाज का फायदा मिला, ऐसा सुरक्षा कवच ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है। इसको हमको समझना चाहिए, ये आदरणीय मोदी जी। ये जो हम टीकाकरण करते हैं, 2014 में 7 किस्म के बच्चों को टीके लगते थे और 61% ही टीका लगता था। आज मैं बड़े गर्व के साथ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपको कह सकता हूं कि हमने 8 किस्म के टीकों को बढ़ा करके 12 किस्म के टीके कर दिए। इस देश में 1,00,000 बच्चा मर जाता था सिर्फ डायरिया से, 1,00,000 बच्चा मर जाता था निमोनिया से। आज हमने आईपीवी, निमोनिया, रोटा वायरस, डायरिया के लिए और मीजल्स रूबेला को 4 नए इंजेक्शन खोलकर और टीकाकरण को 61% से बढ़ाकर 85% तक पहुंचा दिया है और आने वाले समय में उसको 100% हम करने वाले हैं। भारत सरकार ने गांव में जाकर के ढूंढ ढूंढ करके उन बच्चों, गरीब लोगों को ढूंढा जो कभी टीकाकरण कराने के लिए हमारे अस्पताल में आते ही नहीं, ऐसे बच्चों को ढूंढ करके ये काम किया। विदेश में सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है और कभी आपने सुना होगा ओबामा केयर, ओबामा सोशल सिक्योरिटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत, जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत और अटल पेंशन योजना के तहत 22 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के घेरे में लिया। इसको हमको समझना चाहिए, 22 करोड़, और ये छोटी सी अवधि में किया गया।
हमको ये जानना चाहिए कि इसका अर्थ क्या बनता है। अभी ये उज्ज्वला योजना की चर्चा चल रही थी, हमारे पहले मेनका जी ने आपको बताया कि 10 या 15 गैस कनेक्शन मिलते थे, 100 गैस कनेक्शन मिलते थे। और मेनका जी तो चलो इस चिंता में पड़ती थी किसको दूं और किसको ना दूं, क्योंकि 1,100 विभाग और एक समय का यूपीए का नारा चुनाव क्या था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 7 सिलेंडर सब्सिडी वाला देंगे, फिर नहीं 12 सिलेंडर देंगे। अरे यहां लोगों ने उनको रिजेक्ट करके मोदी जी की सरकार लाई और 6 करोड़ लोगों को चूल्हा के साथ साथ गैस पहुंचाने का काम किया और उनके घर में जो अंधेरा था उसको उजाले में बदला, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया। मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता है, नीचे गांव तक पहुंचाओ और समझाओ, ये जो लकड़ी का चूल्हा जलता था या कोयले का चूल्हा जलता था तो हमारी माताएं दिन भर में इनडायरेक्ट स्मोक कम से कम 200 सिगरेट का धुआं अपने पेट में पी लेती। आज अभी गैस का कनेक्शन 6 करोड़ लोगों को मिल गया है और 8 करोड़ तक हमने करना है, तो इसका सीधा सीधा लाभ स्वास्थ्य को मिलेगा और हमारी माताएं बहनों के फेफड़े आज मजबूत फेफड़े के रूप में होंगे और उनको फेफड़े की बीमारी नहीं लगेगी, इतना इसका इंपैक्ट है, उसको आपको समझना चाहिए। यह सिर्फ उनका आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ने का विषय नहीं है, यह उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ विषय है जिसको आपको समझना चाहिए। 18,000 गांव को जो बिजली का कनेक्शन देना, करोड़ों लोगों को घर में बिजली का कनेक्शन देना, विकास के लिए हर तरीके का काम करना। हम देख रहे हैं कि आदरणीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर आ गया है, चंद ही मिनटों में वो हम सब के बीच में स्टेज पर होंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका आने के लिए स्वागत कर दीजिए, उनको वहां तक वो आवाज सुनाई दे रहा है, जोरदार तालियां बजाइए। बोले भारत माता की, जोर से बोली भारत माता की। तो मित्रों में ये बता रहा था कि इतना काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 5 साल में किया है, आपको सिर्फ घर घर जाना है, लोग आतुर बैठे हैं सुनने को और आपकी बात पर चलने को, आप पूरी तैयारी के साथ उन तक पहुंचिए और हम आपके साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर इसी उत्तर प्रदेश की भूमि पर काम करेंगे और हम आपको वायदा करते हैं कि आने वाले समय में आपकी ताकत से और जनता के आशीर्वाद से 73 नहीं 74 लोकसभा सीटें जीत कर जाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।